रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले हजारों दर्शकों धन्यवाद व आभार। फेसबुक पर फॉलो करें। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कोरोना से हुई व्यापारी की मृत्यु पर उसके परिजनों को दिया जाए 10 लाख का मुआवजा। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता के एवं प्रदेश मंत्री सोनू वर्मा के साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष त्रिलोचन सिंह छाबड़ा, जिला प्रभारी संदीप जैन, जिला कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता, जिला युवा अध्यक्ष दुर्गेश वर्मा व संरक्षक महेंद्र अग्रवाल आदि के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी रायबरेली के माध्यम से एक मांग पत्र भेजा गया, जिसे एडीएम प्रशासन राम अभिलाष को प्रदान किया गया। इसमें मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कोरोना से हुई व्यापारी की मृत्यु पर उसके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने बताया कि प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व और रोजगार देने का काम व्यापारी कर रहा है। सैकड़ों ऐसे व्यापारी हैं जो अकेले कमाने वाले थे और इस महामारी में उनके निधन से उनके परिवार बेसहारा हो गए हैं। जिला अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह छाबड़ा एवं जिला प्रभारी संदीप जैन ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हाल में ही कई अन्य वर्गों को 10 लाख का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है, इसलिए व्यापारी समाज को भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह छाबड़ा, जिला प्रभारी संदीप जैन, जिला कोषाध्यक्ष प्रकाश गुप्ता, प्रदेश मंत्री सोनू वर्मा एवं राजनारायण अग्रारी, जिला युवा अतुल कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल। आज पूरे प्रदेश भर के उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल एवं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रदेश के हर जिलों में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत इस कोरोना महामारी में जिन व्यापारियों की मृत्यु हो गई है उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा उनके परिजनों को दिया जाने की मांग की गई है। जिस प्रकार से पत्रकारों को, सरकारी कर्मचारियों को सरकार कोरोना महामारी में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपए दे रही है, उसी प्रकार व्यापार मंडल ने भी मांग रखी है कि हमारे काफ़ी ऐसे व्यापारी हैं जो अकेले, जिनके घर में कमाने खाने वाला एक ही व्यक्ति था और कोरोना महामारी में उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे व्यापारी के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा सरकार दे। इस प्रकार का एक मांग पत्र पूरे प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल एवं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन जिलाधिकारी के मार्फत सौंपा गया।